हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। तो कोई भी सम को सॉल्व करने से पहले, कोई भी मेथड को करने से पहले, हमें उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अच्छी तरह से एक बार देख लेना चाहिए, एक बार उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, हम उसको देखते हैं। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट द मीन। अब इसमें जो जो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग क्या है इनका, ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो इस एक्स बार है, एक्स बार इंडिकेट करता है मीन को, ये सिंबल है मीन का या फिर एवरेज का। ए डिनोट करता है अज्यूम्ड एवरेज को। अज्यूम एवरेज के बारे में अब हम आगे बात करेंगे, जब हम कोई सम सॉल्व करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि ये अज्यूम एवरेज होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा डेविएशन। सिंपली डेविएशन का मीनिंग होता है प्रसार, किसी चीज का मीन से कितना डिफरेंस है, मीन से कोई वैल्यू कितना डिफर कर रही है, किसी सीरीज के मीन से उसका डिफरेंस, वो ही हमारा डेविएशन कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारा सिग्मा डी, सम ऑफ डेविएशन। लास्ट है हमारा एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो चलो अब हम एक सम सॉल्व करते हैं और उस सम में देखते हैं कि अज्यूम्ड एवरेज क्या है और डेविएशन क्या है। ये है हमारा सम। इस सम में ये 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। ये किसी भी चीज के मार्क्स हो सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, या किसी असाइनमेंट के हो सकते हैं। तो इसमें पजल नहीं होना। तो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और ये उनके मार्क्स हैं। हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स इंडिकेट करता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या एफ की वैल्यूज वगैरह नहीं होंगी। इसमें सिंपल ए की वैल्यू होगी, हमारी एक्स की वैल्यू। अब हम बात करते हैं हमारे अज्यूम एवरेज की या फिर अज्यूम मीन की। यहाँ पर देखो, हमने इंडिकेट किया है ए से अज्यूम मीन, जो कि है 40। अब ये 40 कहाँ से आया? अब देखिए, जो हमारी गिवन सीरीज है उसका जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो है 15 और उसकी हाईएस्ट वैल्यू है 65। तो अज्यूम मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आप गिवन सीरीज का जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको प्लस जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, अब उसको डिवाइड करो बाय 2 से। अब जैसे इसमें हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू है 15 और हाईएस्ट वैल्यू है 65, तो 65 को आप ऐड करोगे 15 से, तो ये कितना हो गया 80, और 80 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कितना आ गया 40। तो अज्यूम्ड मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लोवेस्ट वैल्यू प्लस में हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2। चलो अब हम इससे आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिग्मा डी। अब डी निकालने का क्या फॉर्मूला है? जो हमारी गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, उनसे हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे अज्यूम्ड मीन को। जैसे 15 - 40 -25, ऐसे जितने भी वैल्यूज हैं हम सभी को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे अज्यूम्ड मीन से। अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज जो है हमारी माइनस में आई हैं और कुछ प्लस में आई हैं। अब जो हमारी एक्स की वैल्यूज हैं, अगर हमारा अज्यूम्ड मीन उससे हायर है तो आपकी वैल्यू, ये सिंपली मैथमेटिकल ट्रिक्स है जो आप समझते होंगे, कि ये माइनस में आएंगी। अगर वो उससे छोटा है तो ये प्लस में वैल्यूज आएंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा सिग्मा डी। डी तो हमारा आ गया, ये हमारी जो वैल्यूज हैं, डी की वैल्यूज हैं। अब सम ऑफ डेविएशन, तो ये प्लस माइनस को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा डी की 60। अब देखो, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हमारे पास सिग्मा डी भी है, हमारे पास ए भी है, अज्यूम्ड मीन भी है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन भी है। तो अब सिंपली हमें इन वैल्यूज को पुट करना है हमारे फॉर्मूला में।
की जगह हमने रिप्लेस किया ए को अज्यूम्ड मीन से जो कि है 40, और सिग्मा डी को रिप्लेस किया हमने -60 से, और एन को रिप्लेस किया हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है हमारा 10 से। तो आप -60 को डिवाइड करोगे 10 से तो ये आएगा आपका -6। अब प्लस माइनस माइनस, तो 40 से आप 6 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 34। अब यही है आपका आंसर कि एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 34। थैंक यू।